हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अमर चैनल ग्रीन जोन में। चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले बर्गर किंग आईपीओ के बारे में। बर्गर किंग का आईपीओ आ गया फ्रेंड्स, आप बात सच है, बर्गर किंग आईपीओ आ गया। आईपीओ की डेट भी आ गई है फ्रेंड्स, दिसंबर के स्टार्टिंग में डेट भी आ गई है, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कहाँ चल रहा है उस पर भी डिस्कस करने वाले। सीधी सी बात है, इस आईपीओ के बारे में बहुत सारे मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आगे देखते रहिएगा। पर बर्गर किंग का हमारा मैं थोड़ा यहाँ पे लॉजिक बताना चाहूँगा। आईपीओ की डेट बताओ, लोट बताओ, कितने लोट खरीदो, कितना प्राइस बैंड है, सब कुछ बताओ। उससे पहले एक लॉजिक वाली बात मैं फ्रेंड्स आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि बात ऐसी है नहीं कि याद रखना कि एक क्या है, फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ आईपीओ। सीधी सी बात है, बर्गर किंग का मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में बर्गर किंग में बर्गर के कंपटीशन में कौन है, मैकडोनल्ड्स है और बर्गर किंग, दो ही यहाँ पे कंपनियाँ हैं। कौन, मैकडोनल्ड्स है और बर्गर किंग। सीधी सी बात है, याद रखना मैकडी तो हमारे यहाँ अभी नहीं है शेयर मार्केट में भी। सीधी सी बात है, बर्गर किंग अकेला आईपीओ आने वाला है फूड सेक्टर में, याद रखिए। और बर्गर किंग की आईपीओ लिख के देता हूँ, हिट जाने वाला है, पैसे लुटाने के लिए तैयार। यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है फ्रेंड्स, हिट जाने वाला है, देख लेना। वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, पर आज चलो आप देख लेते हैं बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, बर्गर किंग आईपीओ इज द गोइंग टू हिट द मार्केट सून, आ ही गया है मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबको पता था नियर टर्म में आने वाला था, और इस आईपीओ पर सबकी नज़र है, बड़े बड़े लोगों की नज़र है। इसलिए सीधी सी बात है, आईपीओ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को मिलने का चांसेस बहुत कम रहने वाले। इसलिए पूरी तरीके से आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है वो भी इस पर भी आगे वीडियो बनेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ देखने वाले आगे। सबसे पहले यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया कहाँ पे चल रहा है, आज का लेटेस्ट निकल कर आया है वही बता रहा हूँ। देख सकते हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन टुडे 13 से 15 रुपीस अप चल रहा है फ्रेंड, देख सकते हो उनकी प्राइस बैंड से 13 से 15 रुपीस अप अभी भी चल रहा है। यहाँ पे पहले ही दिन, अभी आईपीओ नहीं है, उससे पहले जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है मार्केट में वो 13-15 रुपये अप रह रहा है फ्रेंड, देख सकते हो साफ साफ। सीधी सी बात है, इस आईपीओ पर सबकी नज़र है, बर्गर किंग का आईपीओ सबको पता था हिट ही जाने आने वाला है और जाएगा भी, देख लेना, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे मैं आईपीओ की डेट बता देना चाहूँगा, आईपीओ कब आ रहा है, चलो वो घड़ी भी आ गई, देख सकते हो 2 दिसंबर को आ रहा है फ्रेंड, 2 दिसंबर, ऑलमोस्ट 6-7 दिन अभी रह रहे, 5 से 6 दिन रहे, 2 दिसंबर को आ रहा है, साफ साफ देख सकते हो फ्रेंड्स। और आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, 4 दिसंबर को, देख सकते हो तारीख भी आ गई, सब कुछ आ गया, देख सकते हो 2 दिसंबर तारीख नोट कर लेना, 2 दिसंबर फ्रेंड्स तारीख नोट कर लेना। आईपीओ साइज़ फ्रेंड देख सकते हो, 600 करोड़ का आईपीओ साइज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, 600 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, बढ़िया से बढ़िया बात है। फेस वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, बढ़िया बात है। अब बात यहाँ पे आती है प्राइस बैंड की, देख सकते हो फ्रेंड्स प्राइस बैंड बढ़िया से बढ़िया, मैं कहना चाहूँगा बढ़िया से बढ़िया प्राइस बैंड है, 60 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया, इतना कहना चाहूँगा। आईपीओ में अप्लाई करते वक्त एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो 60 रुपीज़ का ही बिड लगाएगा फ्रेंड, देख सकते हो, क्योंकि दो प्राइस है 59 और 60। ऐसे लालच में मत आ जाएगा कि 1 रुपये कम ले लेता हूँ, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, आईपीओ वरना नहीं मिलेगा, इस आईपीओ नहीं मिलेगा, याद रख लेना, 60 रुपीज़ का ही बिड लगाना आईपीओ में फ्रेंड्स, ये बात सारी बातें ध्यान रखना, ओके। और यहाँ पे आगे बताना चाहूँगा, देख सकते हो बीएससी एनएससी पर आ रहे हैं, पर रिटेल पोर्शन कितने फ्रेंड्स, बहुत कम है, रिटेल पोर्शन 10% के आसपास, इसलिए मैंने कहा मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं इस बार, इसलिए 60 रुपीज़ पर ही बीड लगाना पहली बार बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, और तीसरे दिन का वेट तो मत ही करिएगा, अभी भी बता रहा हूँ इसलिए, ओके। इक्विटी शेयर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 600 करोड़ का आईपीओ जैसे बोला। अब लोट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो बर्गर किंग आईपीओ मार्केट लोट, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मिनिमम लोट साइज देख सकते हो, अप्लाई फॉर 250 शेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 250 शेयर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, साफ साफ देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा, 15,000 का मिनिमम अमाउंट लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000, अगर आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए एक लोट लेना है तो आपको 15,000 तो चाहिए ही चाहिए। और मैक्सिमम कितना अमाउंट चाहिए देख सकते हो, 2 लाख, 1,55,000 के आसपास का अमाउंट चाहिए, मीन्स 2 लाख समझ के रखो। कितने मैक्सिमम लोट साइज कितने फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने शेयर, 3250 शेयर आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड, देख सकते हो साफ साफ। एक लोट में कितने शेयर आएंगे, 250 शेयर आएंगे फ्रेंड, देख सकते हो 15,000 उसकी वैल्यू रहेंगी, देख सकते हो। सीधी सी बात है, कोई भी आईपीओ आएगा तो 14-15 हज़ार रुपीज़ तो उनके एक लोट की वैल्यू रहेंगी, और इस आईपीओ में है, घबराने की जरूरत नहीं, पहले बार बताना चाहूँगा, सीधी सी बात है बढ़िया से बढ़िया आईपीओ है, 2 लाख मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आपको अगर 2 लाख की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम लोट साइज, मैक्सिमम लोट लगाने के लिए फ्रेंड्स बात को ध्यान में रखिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स कितने लोट लग रहे, 13 लोट लग रहे, कितने 13 लोट है मैक्सिमम, 13 लोट, और एक लोट में कितने शेयर, 250 शेयर, मैक्सिमम 13 लोट, कितने रुपए चाहिएंगे, 1,55,000 के आसपास रुपए चाहिएंगे, ओके। सारी बात बता दी, 2 दिसंबर को आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 600 करोड़ का आईपीओ है, देख सकते हो अभी के लिए अभी इतना बता रहा हूँ फ्रेंड्स।
सीधी सी बात है, 60 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो भी हमने देख लिया। मैं अभी भी आईपीओ में रिटेल पोर्शन बहुत कम है इसलिए कह रहा था, हमारे रिटेल इन्वेस्टर के चांसेस बहुत कम रख ले, रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% के आसपास का है। ओके, सीधी सी बात है, आईपीओ में यहाँ पे 60 रुपीज़ का ही बिड लगाएगा, तीसरे दिन तो वेट मत ही कीजिएगा। तीसरे दिन का अगर सोच रहे तब आईपीओ लगाऊंगा 4 दिसंबर को, तो मैं कहना चाहूँगा बर्गर किंग आपके लिए नहीं आएगा, बर्गर आएगा ही नहीं आपके लिए। आईपीओ बहुत हिट जाने वाला फ्रेंड्स, इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि लॉजिकली सोचो, एनालिसिस गया, एनालिसिस में नहीं देखना, सब कुछ छोड़ो, पर लॉजिकली सोचो, हमारे इंडिया में है कितनी ब्रांड बर्गर के लिए, कितनी ब्रांड है फेमस जो अभी चल रही है अच्छी तरीके से मार्केट में चल रही है, इतनी दो ही ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स एंड दूसरी हमारी बर्गर किंग। सीधी सी बात है, बात को समझो, भले ही मैकडोनल्ड्स में कहना चाहूँगा मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग से अप पे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर दूसरी तो बर्गर किंग ही है, और कोई कॉम्पिटिशन तो अभी मार्केट में नहीं चल रहा है, समझो इस बात को। ओके, इतना बता दिया, आगे वीडियो आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने रखने का फ्रेंड्स, इतने कहना चाहूँगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जल्दी नोटिफिकेशन मिलने वाले बर्गर किंग के वीडियो के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।